सर, ये संकल्प शक्ति क्या है? ये संकल्प का मतलब सृष्टि है। कैसा सृष्टि करना? वे आर द क्रिएटर्स, हमें सृष्टि करता है। भगवद गीता है, आपका वास्तव का खुद आप सृष्टि करता है। इसलिए ये संकल्प का बारे में जानना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन को कैसा चाहिए वैसा हमें बदल सकते हैं संकल्प शक्ति से। क्या चाहिए वो पा सकते हैं। इसलिए संकल्प शक्ति का जरूरत डेफिनेटली है। आध्यात्मिक जीवन में रहे तो मालूम होता है, भौतिक जीवन में रहने वालों को ये संकल्प शक्ति के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। सबको मालूम है यद्भावम तद्भवति, भगवद्गीता कहते हैं यही संकल्प। अब क्या सोचेगा वही होगा। वो श्लोक तो हर एक इंसान पढ़ता है, लेकिन संकल्प ठीक नहीं है, सोचने का तरीका गलत है, इसलिए गलत फल भोगना पड़ता है। हमें एग्जाम देना है, तन मन से पढ़ाई करनी है, ऐसा सोचना भी संकल्प कहलाएगा या संकल्प शक्ति इस तरह की के अलग है? एक संकल्प का मतलब इंटेंस थॉट, इंटेंट बहुत रहना है, मामूली सोचने से नहीं। संकल्प का मतलब, अब गुरु जी का संकल्प है साकार जगत, ध्यान जगत, फिर मिट जगत के लिए संकल्प रखते हैं। उनको मालूम है जगत में हमें भी एक पार्ट है, अगर जगत का हुआ तो हमना भी हो जाएगा। उनका सोच में वैसा ब्रॉड थिंकिंग है उनका। भूलो के लिए संकल्प नहीं किया कोई गुरु, ऐसा नहीं किया, पूरा जगत के लिए संकल्प किया। संकल्प करके चुपके नहीं बैठा, केवल संकल्प से सब कुछ नहीं होता है, उसके लिए क्या करना है वो एक पूरा साइंस है, स्पिरिचुअलिटी है। संकल्प रखना है, रखने के बाद क्या करना है, वो संकल्प क्या है, सब कुछ ध्यान से मालूम होता है, नहीं तो खाली किताब पढ़ने से इसका ज्ञान नहीं मिलेगा। यानी खुद पर केंद्रित संकल्प उतना सही नहीं है, लेकिन आप जगत के बारे में सोचते हैं, पूरे समाज के बारे में सोचते हैं, वो संकल्प अच्छा है। नहीं, भौतिक जीवन में भी हमें क्या चाहिए वो सृष्टि करते हैं, सेलिब्रेशन खुशी के लिए, वो तो गलत नहीं है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों के लिए संकल्प रखने जरूरत नहीं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए कुछ ज़रूरत है, कुछ होना है, वो होता है, होने के लिए हमें कमर ज्ञान क्यों है, मुक्ति के लिए, मुक्ति का मतलब खुशी के लिए है ना। सृष्टि करता है, हमारा कोई अस्वस्थ का है, एक संकल्प से हमें वो ठीक कर सकते हैं। डर है, वो डर ध्यान से निकलने के लिए बहुत टाइम लगेगा, अगर एक संकल्प करके ध्यान किया तो वो डर इमिडिएटली क्लियर हो जाएगा। इसलिए संकल्प केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं, भौतिक जीवन के लिए भी उपयोग होता है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों के लिए नहीं रखना। तो ये संकल्प कैसे लिया जाता है? ये संकल्प का मतलब एक पौधा, पहले एक पौधा डालना है, पौधा डालने के बाद पानी नहीं डाले तो वो सूख जाता है ना। वो पानी डालने का ध्यान, उससे फेंस डालना है, वो नेगेटिव नहीं सोचना है, उसके मैन्यूर डालना है, वो क्या है, विजुलाइजेशन टेक्निक। पौधा कितना बड़ा है उतना पानी डालना है। ये भौतिक पौधा को जड़ नीचे रहते हैं, पाताल गंगा डालना है, हम ना जड़ ऊपर रहते हैं, इसे आकाश गंगा डालना है। कितना पौधा बड़ा है उतना पानी डालना है, हमारा संकल्प कितना बड़ा है उतना ध्यान ज़्यादा करना है, ऊर्जा, वो ऊर्जा ही आकाश गंगा है ये पौधा बढ़ाने के लिए।